हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले प्रत्यास्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करें। सबसे पहले सीखेंगे प्रत्यास्थापन विधि होता क्या। दोनों में से कोई से भी संख्या को एक्स का मान निकालने या फिर वाई का मान निकालने तो उसको फिर पुट कर देना हम लोग को ये वाला समीकरण में। हम लोग यहाँ मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मानते हैं समीकरण दो। अब देखिए, हम लोग इसको या फिर एक्स का वैल्यू निकालें या फिर वाई को वैल्यू निकाल के हम लोग को समीकरण दो में पुट कर देना है। तो चलिए हम निकालते हैं समीकरण एक से, एक से ये हम लोग का समीकरण एक है। 3x + 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। 3x इक्वल टू ये बराबर की इधर है तो ऐसे ही रहेगा, इधर बराबर के प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4y। अब हम लोग इसलिए x बराबर 10 - 4y, इधर बराबर में इधर आएगा तो बटा में 3। ये हम लोग एक्स का मान निकल गया। अब ये एक्स मान हम लोग एक्स का वैल्यू जो हम लोग समीकरण दो में रख के निकालते हैं, वाई के मान पुट करते हैं समीकरण दो में। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर। अब देखिए यहाँ समीकरण दो, हम लोग यहाँ पर ये वाला लिखते हैं 2x - 2y इक्वल टू 2। अब इस पर हम लोग रखेंगे समीकरण दो, हो गया ये। अब x का मान इसमें हम लोग रखते हैं, x का मान मेरा क्या है 10 - 4y बटे 3 ब्रैकेट 1 -2y बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि दो यहाँ पर हम लोग के ब्रैकेट के इधर, यानी ये पूरा गुना होगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, 10 × 20 -4 × 8y बटा 3 माइनस की चीज़ें माइनस दिए 2y बराबर 2। अब यहाँ पर देखते कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग के एक छुपा हुआ जाता है दोस्तों। तो ये दोनों हम लोग देखते हैं समीकरण, ये तो हो गया। अब ये दोनों देखें हम लोग भिन्न को जोड़ के जैसा बनाएंगे यहाँ पे, तो 3 और 1 कैल्शियम 3 आता है। ठीक है, 3 से भागा 3, जैसे एलसीएम बना था वैसे ही बनाना है। यहाँ 20 आ गया, -3 से भागा 1 में 3, 8 से गुना किए 8y। अब यहाँ 3 से भागा 1 में 3 आया, अब यहाँ पे 3 से गुना 2 में करेंगे तो 6y हो जाएगा बराबर 2। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 20y 20 हो गया। अब यहाँ पे देखना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा को लिया जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, 8 6 14y -14y बटे 3 बराबर 2। अब यहाँ पर हम लोग करना है क्रॉस बाई मल्टीपल, यानी क्रॉस बाई मल्टीपल करना है, तिरछा गुना करना है दोस्तों। 20 - 14y बराबर 2 × 3, यहाँ पर 20 - 14y बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग x का मान निकालें, y का मान निकालेंगे, -14y। अब यहाँ पे बराबर है, जाति को एक तरफ करेंगे, बराबर की इधर ये 6 है प्लस में तो प्लस, अब बराबर के इधर 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 20 -14y बराबर 6 में से 20 जाएगा तो -14 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर ये 14 के बराबर किधर है आ गया, अब इधर आएगा तो पट्टा में चलाएगा, 14 14 कट गया एक बार में। ये हम लोग का वाई का मान निकल गया। अब वाई का मान हम लोग रखेंगे समीकरण एक में रख के हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए समीकरण एक में हम लोग रख के पुट करते हैं, यहाँ पे समीकरण एक हम लोग क्या है ऊपर में देखिए, ये हम लोग का समीकरण एक हो गया यहाँ पे। अब हम लोग देखिए यहाँ समीकरण एक के मान यहाँ लिखते हैं 3x + 4y = 10। अब इसमें देखिए हम लोग वाई के मान रखते हैं, 3x + का चिन्ह प्लस दिए, 4y बराबर कितना आया 1 बराबर 10। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए 3x + 4 से 1 में गुना करेंगे 4 आएगा बराबर 10। ठीक है, अब हम लोग जाति को एक तरफ करेंगे, 3x = 10 इधर प्लस में बराबर किधर तक प्लस में हो गया। ठीक है दोस्तों, बराबर किधर हम लोग के ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4, 3x बराबर
दस में से छः किया, सॉरी दोस्तों, दस में से चार किया, छः बचा। अब यहाँ पे देखिए हम यहीं पे बना देते, इसलिए एक्स बराबर छः मेरा हो गया। ये बराबर कि इधर में है, इधर आ गया तो बटा में तीन दुना छः दो, यानी कि हम लोग को निकल के पुट करके एक्स बराबर दो और वाई बराबर एक, ये हम लोग का निकल कर आंसर आ गया एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।